हेलो फ्रेंड, यूनिक यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाना या अर्जुन की छाल की चाय कैसे बनाते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे और अर्जुन की छाल के कुछ फायदे भी बताएंगे। अर्जुन का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते, छाल और यहाँ तक कि उसका फल काफ़ी गुणकारी होता है और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और ये काफ़ी सारी बीमारियों में लाभकारी होता है। तो आज हम आपको बताएंगे अर्जुन की छाल की चाय बनाना यानी कि काढ़ा बनाने की विधि। अर्जुन छाल की चाय बनाकर सेवन करने से आपका हृदय स्वस्थ रहेगा और हृदय संबंधित समस्या ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा इसकी चाय यानी कि काढ़े का सेवन करेंगे तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो वो भी हाई ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा। इसके सेवन से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और इसके अलावा अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी ये अर्जुन की छाल की चाय यानी कि काढ़ा उसे ठीक कर देता है यानी कि सामान्य कर देगा। इसके अलावा अगर किसी को फैटी लीवर की परेशानी है तो अर्जुन की छाल के सेवन से फैटी लीवर भी ठीक हो जाता है। तो अब हम आपको बनाकर दिखाते हैं अर्जुन छाल की चाय यानी कि अर्जुन छाल का काढ़ा कैसे बनाते हैं, उसको किस प्रकार से बनाना है उसकी विधि हम आपको दिखाते हैं कि अर्जुन की छाल की चाय कैसे बनाते हैं। अर्जुन की चाय बनाने के लिए पहले एक गिलास पानी ले लें और उसमें इसके अंदर एक चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर ले लें। जी हाँ दोस्तों, इस गिलास के अंदर एक चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अर्जुन की छाल का पाउडर पूरी तरह से पानी में मिक्स कर लें। जब ये पानी के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद इसको ढक कर रख दें पूरी रात भर के लिए, क्योंकि के पानी के अंदर जितने भी अर्जुन की छाल के औषधीय गुण हैं वो पानी के अंदर आ जाएंगे और चूर्ण जो है पानी को अवशोषित कर लेगा और पानी जो है चूर्ण का जितना भी औषधीय गुण है वो अवशोषित कर लेंगे। ये चूर्ण जो है पूरी तरह से घुल गया है, अब इसको हम ढक देते हैं एक बर्तन से। ये पूरी रात ढका रहेगा। ये देखिए अर्जुन की छाल का पाउडर घुलने के बाद देखिए उसका कलर भी पानी के अंदर आ गया है। तो इस प्रकार से पूरी रात ये रखा रहेगा तो अर्जुन की छाल के जितने भी औषधीय गुण हैं वो पानी के अंदर आ जाएंगे। तो ये अर्जुन की छाल को हमने रात भर भिगोया है, इस पानी के अंदर हमने पूरी रात रखा था और ये देखिए अब इसका किस तरीके से लाल सा रंग आ गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे स्टील का, उसके अंदर इसको डालेंगे और डालने के बाद इसको हम उबालते हैं। ये पूरी रात भर हमने भिगो के रखा था, अब ये हम इसको पतीले में डाल लेते हैं अच्छी तरह से हिला के और इसके अंदर आधा गिलास पानी और डालेंगे। इसमें आधा गिलास पानी और डाल लेते हैं इस पानी के अंदर अर्जुन की छाल के जितने भी गुण हैं वो सारे इस पानी के अंदर आ गए होंगे और उसके बाद अब हम इसको तब तक उबालेंगे जब तक ये पानी पककर आधा ना रह जाए या एक कप चाय बनाने के लिए जिसे कहते हैं कि अर्जुन की छाल की चाय या अर्जुन की छाल का काढ़ा, वो इसे धीमी आंच पर ही पकाएं। इसको हम थोड़ी देर ढक देते हैं। इस अर्जुन के काढ़े को बनने में लगभग 4 से 5 मिनट या 6 मिनट लगेंगे। इसे 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से उबालें। इसको बीच बीच में थोड़ा सा हिलाते रहें। अर्जुन की छाल में काफी सारे औषधीय गुण होते हैं और ये काफी रोगों को समाप्त कर देती है। अब
ये एक कप के बराबर रह गया है, अब हम इसे उतार लेते हैं, गैस बंद कर देंगे। तो दोस्तों अब हम इसे एक कप में छान लेते हैं। तो दोस्तों ये अर्जुन की चाय बनकर तैयार हो गई है। आप इसे चाय और काढ़ा भी बोल सकते हैं। आप इसका सेवन करें, सिर्फ दिन में एक बार करेंगे, नाश्ते के एक घंटे के बाद, और उसके एक घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। अर्जुन की छाल की चाय या काढ़ा केवल आप सर्दियों में ही प्रयोग करें, क्योंकि कि अर्जुन की छाल का काढ़े की तासीर जो है वो गर्म होती है, और इसके इस्तेमाल के जो महीने हैं वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो दोस्तों अर्जुन की छाल की चाय बनाकर आप पियेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार से आप अर्जुन की छाल की चाय बना सकते हैं और पीकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबान।